वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो रेसिंग विंडशील्ड के ऊपर रहेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपाचे में ये एक्स्ट्रा विंडशील्ड लगाई है। इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में कोई भी एक्स्ट्रा विंडशील्ड नहीं आती, जो आप ये केवल इतना जो पार्ट देख रहे हैं केवल इतनी ही आती है, तो मैंने ये वाला पार्ट लगाया। अब मैंने लगाया क्यों है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि देखो थोड़ा सा चेंज के लिए भी, क्योंकि बहुत पुरानी बाइक है तो कुछ चेंज भी आ जाए उसके लिए। दूसरा, जो एरोडायनामिक वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर होता है। अभी मैंने लास्ट 500 टू 600 किलोमीटर बाइक को राइड किया है और इसका जो रिजल्ट है वो मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा। पहले जो एयर जो जहाँ से पास होती थी वो यहाँ से होती थी, अब वो यहाँ से होने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो इसका विंड प्रोटेक्शन है, जो एरोडायनामिक है, काफ़ी बेटर हुआ है और चलाने में भी हाँ थोड़ी सी ठीक ठाक लगती है, मतलब थोड़ा स्टेबल होके बाइक चलती है। अब आप बोलोगे कि ये मैंने लिया कहाँ से, तो ये यामा की जो फेजर है ओल्ड आती थी वहाँ से मैंने ये पिक किया। आपको किसी भी ये ऑटोमोबाइल शॉप से मिल जाएगी इजीली, ऐसा कोई टफ नहीं है। अगर नहीं मिले तो मैं इसका लिंक अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब आपको ये लगानी कैसे है, तो ये इन बोल्ट्स के सहारे ही टिकेगी। अब बोल्ट्स ऐसा नहीं है कि आपने जो लिया बोल्ट्स लगाया और काम कर गया, अगर ऐसा लगा दोगे तो कुछ टाइम तक तो ठीक रहेगा, बाद में ये यहाँ से वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आने लगी और झंझनाहट सांप जैसी आवाज आएगी, तो वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो बोल्ट्स हैं ये पल्सर की जो क्या बोलते हैं, पल्सर का जो फ्रंट का जो वाइजर आता है उसके वाइजर के बोल्ट हैं। और ये बोल्ट नॉर्मल बोल्ट नहीं, इनके अंदर जो नट होता है उनके अंदर एक रबड़िश पार्ट होता है जो वाइब्रेट नहीं करते। जैसे आप देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी रबड़ है इसमें, तो उन्हीं को मैंने मतलब इस रबड़ के थ्रू ये मैंने लगाया है। और आप इतना कोई टफ नहीं है, आराम से लगा सकते हो। बस आपको जो पुराना जो वाइजर है उसके होल और इसके होल को मैच करते हुए यहाँ से लगा देना। आई होप समझ रहे होंगे आप, इतना टफ नहीं है। और मैं ये सलाह दूंगा कि आप जब भी इसको लगाएं, मतलब इतना नीचे से ना लगाएं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है किसी ने यहाँ से लगाया हुआ है तो वो यहाँ से मतलब ऑड लगता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। और अगर आप यहाँ से लगा दोगे तो मतलब इतना ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा सा ऊपर से लेकर लगाना है। और किसी ने तो यहाँ से भी लगा रखा है, तो जब आप यहाँ से लगाओगे तो वो इतना ऊंचा दिखेगा कि बाइक का ओवरऑल लुक ही खराब कर देगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इतना ही गैप रखें जितना आपको इसमें गैप दिख रहा है, बस इतना सा थोड़ा बहुत ही, और जिससे कि हाइट इसकी प्रॉपर इतनी आ जाए। तो इसके बेनिफिट बस एक यही है, थोड़ा सा लुक इसका एनहेंस हो जाता है और विंड प्रोटेक्शन वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऐसा मेरे को लगता है कि हाँ स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ में उसमें चेंजेस आए हैं। तो आपको मैं अगर यहाँ से इसका ओवरव्यू दूँ तो यहाँ से इसका ओवरव्यू कुछ ऐसा लगेगा, जैसे अगर आप इन बोल्ट्स को यहाँ से लगाओगे, जैसे आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा रबड़ है, ये रबड़ है और ये सी के अंदर ये बोल्ट है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी बाइक का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन नहीं होगा। और बिल्कुल मेरे को तो कम से कम 1-1.5 साल हो गया, मेरे को इसमें कोई भी वाइब्रेशन इसमें फील नहीं हुआ। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बोल्ट कैसा भी ना लगा लें, रबड़ वाले ही बोल्ट लगाएं। जो पल्सर के वाइजर वाले जो बोल्ट आते हैं उनमें रबड़ होती है उनके नट में, तो वो बोल्ट इनमें आपको फंसा के लगाने, और आप आराम से लगा लोगे, इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मैं मानता हूँ मैं इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि मैंने मतलब चैनल ही अभी स्टार्ट किया, लगा तो ये मैंने पहले लिया था, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो जो मैंने बाइक में इंस्टॉल कर रखा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, जब मन करे इसको हटा दो, जब मन करे इसको उतार दो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।